सबसे बड़ा तेरा कसीदा कहता
बावाज बलन सलवा لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات الله شہزادی کونین بی بی دو عالم سیدت و نساء العالمین کی ولادت با سعادت و ولادت با برکت کی تاریخ ہے. آپ سب کی خدمت میں تہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. واقعاً یہ وہ خوشی کا مقام ہے کہ ہر محب اہل بیت اور ہر محب فاطمہ کو خوش ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی میں اگر برکت ہے تو اہل بیت کے وجود سے ہے. ہماری حیات, ہماری زندگی, ہماری شناخت, ہم جو کچھ بھی ہیں در اہل بیت سے ہیں, اور ہمارا مقصد خلقت بھی معرفت اہل بیت ہے. شیعتنا قد خلقوا من فاضل طینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. یفرحونا لفرحنا, ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں. ویحزنونا لحزننا, ہمارے حزن میں غمندو ہوتے ہیں. تو بے شک شہزادی دو عالم کی ولادت کی تاریخ, ابھی حدیث قصہ کی تلاوت ہو رہی تھی کہ جہاں بھی اس حدیث کو اتنی عظمت کیسے ملی, جبکہ احادیث تو اہل بیت سے بہت سی نقل ہوئی ہیں, روایات احادیث, لیکن اس حدیث کو اتنی عظمت کیسے ملی, اتنی برکت کیسے ملی. ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض فیہ محموم الا فرج اللہ ہمہ,
वला मग़मूमुन व इल्ला कशफल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन व इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजता। जहाँ भी इस हदीस के साथ कि जिस हदीस का महवर और मरकज शहजादी दो आलम बीबी फातिमा जहरा की ज़ात, सलवात भेजे बार बुलंदा हो। हदीस का महवर शहजादी की ज़ात है, जहाँ भी इस हदीस का जिक्र होगा अल्लाह ने इतनी फजीलत इसमें दे दी कि अगर गमजदा है तो गम दूर हो जाएगा, अगर परेशान हाल है तो परेशानी दूर हो जाएगी, अगर कोई हाजत हो अपनी, कोई मुश्किल हो, कोई हाजत लेकर आया है तो इस दर से वो हाजत पूरी हो जाएगी। इतनी बरकत अल्लाह ने रखी। शहजादी दो आलम सैयदतु निसाइल आलमीन हैं, यानी आलमीन की तमाम औरतों में सरदार। और वैसे तो दुनिया में बहुत सी औरतें गुजरी हैं, लेकिन उन तमाम औरतों में चार औरतें ऐसी हैं कि जो दुनिया की बाफजीलत तरीन औरतों के में उनका शुमार होता है। खैरुन्निसा अरबा, अफजलुन्निसा, बेहतरीन औरतें कौन हैं? चार हैं। जनाबे आसिया फिरौन की जौजा, जनाबे मरियम, जनाब खदीजा और बीबी दो आलम शहजादी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा। इन चारों खवातीन की जिंदगी देखिए। देखिए औरत का रोल मर्द से जिंदगी में कम नहीं है, पहले भी हमने अर्ज किया है। उसको ना समझे कि वो सिन्फ़ ज़ईफ़ है तो उसका रोल भी कम है। ज़ईफ़ होना इस बात की कहीं भी दलील नहीं है कि उसका किरदार, उसका रोल भी कम है, बल्कि कभी ज़ईफ़ का रोल कवि से ज़्यादा हुआ करता है। कमज़ोर का रोल जो है वो मज़बूत से ज़्यादा हुआ करता है। उसकी दलील भी मेरे पास है। कुरान ने कहा है ना इंसान के बारे में कि खुलकल इंसानो ज़ईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है, कमजोर पैदा किया है। खुलकल इंसानो ज़ईफा, कुरान खुद कह रहा है कि इंसान ज़ईफ है, लेकिन यही इंसान जो ज़ईफ है इसकी कुदरत को आप देख लीजिए, इसकी ताकत को आप देख लीजिए कि मौलाए कायनात फरमाते हैं नहजुल बलागा में कि अतज़अमु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवल आलमुल अकबर। ऐ इंसान, तू सोचता है कि तू एक छोटा सा जर्रा है जबकि तेरे अंदर एक आलम, एक दुनिया छुपी हुई है। तो अब ये बताइए कि जिस इंसान को कुरान कह रहा है कि खुलकल इंसानो ज़ईफा, कमजोर है, नातवा है, ज़ईफ है, लेकिन ताकत में और कुदरत में और इसका असर दुनिया में इतना ज्यादा है कि अगर पहाड़ को अपनी बुलंदी पे नाश था तो इंसान ने वहां अपना परचम गाड़ दिया, अगर आसमान को अपनी बुलंदी पे नाश था तो आसमानों में प्रवास करने लगा, अगर समंदर को अपनी गहराई पे नाश था तो समंदर की तह पे उतर कर कीमती जवाहिर निकाल के ला के बताया कि हम तुम पर भी हावी हैं। तो ये इंसान जो आप सोच रहे हैं कि कमजोर है, ये इंसान कितना मजबूत है। तो क्या कमजोर नहीं है मौलाना? क्यों नहीं कमजोर है? जब कुरान कह रहा है कि खुलकल इंसानो ज़ईफा तो मानना पड़ेगा कि कमजोर है, लेकिन तमाम तर कमजोरी के बावजूद इसका रोल दुनिया में तमाम मौजूदात से बढ़कर है। पत्थर को, पहाड़ को अपनी बुलंदी पे नाज है कि हम तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इंसान वहां पहुंच जाता है। आसमान को अपनी बुलंदी पे नाज है, अपनी वसत पे नाज है, वहां जाके परवास करके चला है। समंदर को अपनी गहराई पे नाज था, समंदर की तह में उतर के आया।
तो ये इंसान जो इतना कमजोर है उसी वक्त वही इंसान है कि जिसके बारे में मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि अतज़अमअन्नक जुर्मुन सगीर, तुम ये ना सोचो कि एक छोटा सा जर्रा हो, बल्कि पूरा आलम तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। तो पता ये चला कि वही जो कमजोर नजर आता है किसी दूसरे हिसाब से जब देखें तो सबसे बड़ा कामयाब मजबूत नजर आता है। तो औरत के रोल को कमजोर न समझिएगा, वही जो सिंफे ज़ईफ नजर आती है उसका किरदार आलम पे छा जाता है। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान ने औरतों को भी अजमत से याद किया है। जनाबे आसिया का जिक्र कुरान में, जनाबे मरियम का जिक्र कुरान में। तो ये वो औरतें हैं जो दुनिया की बेहतरीन औरतों में हैं। आसिया ने क्या किया, आसिया का किरदार देखिए, आसान काम है। फिरौन जैसे घर में रहकर जो मुनकिर खुदा था, ईमान को बाकी रखना ये आसान काम नहीं है, लेकिन तमाम तर मसाइब को तहम्मुल करने के बावजूद आसिया तौहीद खुदा पर बाकी रही और दुनिया को बताया कि हम सिन्फ़े ज़ईफ में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईमान में हम कमजोर हो सकते हैं, किरदार में हम कमजोर हो सकते हैं। ईमान की कमजोरी का मेयार कभी मर्द और औरत की बुनियाद पर नहीं होता है। इसीलिए कहीं ये नहीं मिलता है कि मर्द औरत से बेहतर हैं, ऐसा नहीं है। जहां किरदार होगा वो बेहतर नजर आएगा। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे आसिया, जनाबे मरियम को देख लीजिए। कुरान ने उनकी तहारत की सनद दी, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतहर के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। जनाबे मरियम यानी कुरान ने भी औरतों को अजमत से याद किया है। कुरान ने औरतों को भी, जो औरतें अल्लाह की नजर में ईमान के उस मरहले पर पहुंची और दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हुई, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के, अल्लाह तुमको चुन रहा है। देखिए बंदा चुनता है तो बात और होती है, अल्लाह चुनता है तो बात और होती है। हम जब किसी का इंतखाब करते हैं तो अपनी महदूद फिक्र के साथ, महदूद सलाहियतों के साथ, उसमें हमारी नफसानी ख्वाहिशात भी चेबसा शामिल होती हैं तो इंतखाब करते हैं। लेकिन जब अल्लाह इंतखाब करता है तो अपने इल्म मार, अपने इल्म की बुनियाद पर इंतखाब करता, अपनी लामहदूद वसअतों की बुनियाद पर इंतखाब करता। तो खुदा कह रहा है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया। वतहर के पाको पाकीजा बनाया, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों पर चुनंदा बनाया आपको। लेकिन ये आयत जनाब मरियम के लिए किस जमाने में नाजिल हुई, किस जमाने को बयान कर रही है, जब मरियम जिंदा थी, मौजूद थी, तब मरियम इस्तफा के अला निसाइल आलमीन, तमाम औरतों पर आलमीन के इंतखाब की गई। लेकिन जब मरियम का जमाना गुजरते 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 इस्लाम का जमाना आया, इस्लाम का जमाना आया, तो अब मरियम सैयदतुन निसाइल आलमीन नहीं है, मरियम इस्तफा के अला निसाइल आलमीन नहीं है, बल्कि फखरे मरियम है जिनका नाम फातिमा है। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ये बात हमेशा गुफ्तगू में रही कि मरियम बेहतर हैं या फातिमा। किसी दौर में दरबार में ये बात पेश भी की गई। गैबत के जमाने के बाद का जमाना था, दरबार बादशाह का सजा हुआ था, मुसलमानों के बादशाह
किसी ने कहा कि ये बताओ कि मरियम बेहतर हैं या फातिमा, मरियम बेहतर हैं या फातिमा। तो जो दरबारी मुल्ला थे उन्होंने कहा अरे मरियम बेहतर है जनाबे, मरियम बेहतर हैं, अफजल हैं। पूछा क्या दलील है, का दलील यह है कि अल्लाह ने जनाबे मरियम की तहारत की सनद कुरान में दी है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरक अला निसाइल आलमीन। और दूसरी दलील यह है कि जनाबे मरियम के लिए एक सूरह कुरान में नाजिल हुआ। तो अब दरबार में सब लोग बैठे थे सुन रहे थे, एक मौलाई भी बैठा था, एक हक बोलने वाला भी बैठा था। ये तो अल्लाह का एजाज है कि हर बातिल में एक हक बोलने वाला भी पैदा कर देता है। भाई हुज्जते खुदा से जमीन खाली न रहे का मफहूम सिर्फ मासूम नहीं है, अल्लाह किसी की भी जबान से अपनी हुज्जत को पहुंचा सकता है, हक को पहुंचा सकता है। कहा कि नहीं ये जवाब सही नहीं है। कहा क्यों? कहा नहीं ये जवाब सही नहीं है, फातिमा अफजल है, मरियम नहीं अफजल है। कहा क्यों? सारे उलमा तो ये कह रहे हैं कि मरियम बेहतर है और आप कह रहे हैं कि फातिमा बेहतर है। अब देखिए किसी भी मामले में जब अक्सरियत एक तरफ चली जाती है तो जो अकेला रहता है उसके लिए कुछ मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, ये दुनिया का मिजाज है। तो ऐसे ही हुआ, तलवार निकाली, बादशाह ने कहा ऐसा करो साबित करो वरना ये तलवार से तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अपने हक बोलने वालों की मदद भी हमेशा करता है, वो सौ में अकेले भी हों तो कामयाब होके नजर आते हैं। और यही अहले मजहब अहले बैत की पहचान भी है, हम कितनी भी अकलियत में हो हक हर जगह पहुंचा ही के रहते हैं। अब वक्त नहीं कि गुफ्तगू की जाए कि किस तरह से अहले बैत की बात दुनिया में कम होने के बावजूद भी हक्कानियत मजहब अहले बैत पहुंच रही है। बहुत सी चीजें जो लोग अच्छी चीजें अमल कर रहे हैं वो बज़ाहिर अहले बैत के मजहब से जुड़े ना हुए हों लेकिन यहीं से असर ले रहे हैं, क्योंकि ये नूर है ना, इसके नूरानियत सिर्फ हम तक महदूद नहीं है, ये फैज हम तक महदूद नहीं है, बल्कि जो भी यहां थोड़ा सा जिसका रुझान होगा उसको फैज मिलेगा। अब यह है कि जिसका जैसा जर्फ होगा वैसा फैज मिलता है। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा ये बात सही नहीं है आपकी, मरियम बेहतर अफजल नहीं है, जनाबे मरियम से अफजल फातिमा है, फातिमा अफजल है। तो कहा दलील पेश करो, तुम दलील लाओ। तो उसने कहा मेरी दलील यह है, अभी आप क्या कह रहे थे कि ये इन्होंने कहा, आलिम ने कहा कि मरिय जनाबे मरियम के लिए कुरान में आयत नाजिल हुई, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरके। तो अगर कुरान ने जनाबे मरियम के लिए एक दफा लफ्ज तहारत का इस्तेमाल किया है तो फातिमा के लिए दो दफा लफ्ज तहारत का इस्तेमाल हुआ है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, बाजा सलामत। अब आप खुद बताइए कि फातिमा अफजल हुई या मरियम, क्योंकि वहां एक दफा लफ्ज तहारत का इस्तेमाल है, यहां दो दफा। वहां कहा अल्लाह ने पाको पाकीजा बनाया और यहां कह रहा है कि पाको पाकीजा बनाया जैसे पाको पाकीजा बनाने का हक है। अब आप बताओ कि फातिमा अफजल या मरियम, और दलील सुनो, क्योंकि नहनो अबनाओ दलील, हम तो दलील पे गुफ्तगू करते हैं, सुनी कहे सुनी की बात पे नहीं चलते, दलील से बात करते हैं। आपने कहा कुरान में जनाबे मरियम के लिए सूरह नाजिल हुआ, सूरह मरियम, तो जनाबे मरियम के लिए एक सूरह नाजिल हुआ जिसका नाम है सूरह मरियम, और फातिमा के लिए दो सूरह नाजिल हुआ, एक सूरह हलता और दूसरा सूरह कौसर जो फातिमा का कसीदा पढ़ रहा है।
सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले अब बादशाह का चेहरा उतरा जा रहा है, तलवार तो निकाल लिया था, लेकिन कभी कभी तलवार से बढ़कर इल्म की तलवार काम करती है। इल्म की तलवार, दलील की तलवार, हिकमत मंतिक की तलवार, दलील व बुरहान की तलवार का जो असर होता है वो जाहिरी तलवार से ज्यादा होता है। कहा बादशाह सलामत, और दलील पेश करूं? कहां बताओ। कहा आप देखिए कि जनाबे मरियम जो हैं वो अपने लाइफ, अपनी लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने हुजरे में थी और मलक आया उनके पास, मलक उनके पास आया, जनाबे मरियम डर गई कि भाई तुम कहां से आ गए, वहशत ज़दा भी हो गई। यानी जब मलक इनके पास आया तो परमिशन लेके नहीं आया, इजाजत लेके नहीं आया, लेकिन फातिमा वो है कि जिनके दरवाजे पे जब मलक आता है तो इजाजत लेके आता है। सलावत भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप ही बताइए कि मरियम अफजल हुई है फातिमा, वहां जब मलक आ रहा है तो इजाजत मांग रहा है और यहां बेर इजाजत के आ जा रहा है। और खुद हदीसे के सामने जब जिब्राइल ने कहा कि परवरदिगार अताजनुली अनहबता इलल अर्ज फअकून माहुम सादिसा, परवरदिगार मुझे इजाजत है जबकि जनाबे फातिमा अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं थी, अपने घर वालों के साथ चादर के नीचे थी, लेकिन फिर भी जिब्राइल पूछ रहे हैं परवरदिगार इजाजत है अनहबता इलल अर्ज फअकून माहुम सादिसा कि मैं भी जमीन पर जाऊं और छठा बन जाऊं। तो जिब्राइल जैसा मलक जब इस दर पे आता है तो इजाजत लेकर आता है। अब आप बताइए कि फातिमा अफजल है या मरियम। अब बादशाह का चेहरा उतरा जा रहा है, तलवार तो अंदर चली गई। तो ये मत सोचिए कि अक्सरियत ने जो कह दिया वही हक होता है, कभी अक्सरियत हक व बातिल का मेयार नहीं होती। हो सकता है हक अक्सरियत के साथ हो सकता है हक अकलियत के साथ हो, कोई जरूरी नहीं है कि हक अक्सरियत के साथ। का और दलील पेश करूं? का ये बताइए कि जनाबे मरियम को अल्लाह ने कोई बेटा दिया है? कहा दिया है। कौन है? का जनाबे ईसा। खुब वो मासूम है? कहा बेशक मासूम है। तो कितने बेटे अल्लाह ने मरियम को दिए मासूम? कितने बेटे अल्लाह ने मरियम को दिए मासूम? का एक बेटा। का कितने बेटे अल्लाह ने फातिमा को दिए मासूम? कहा नौ बेटे। अब आप बताओ कि मरियम अफजल है या फातिमा। बादशाह की तो हालत खराब हो रही है, दलील पे दलील, दलील पे दलील, कितनी दलील चाहिए भाई। का बादशाह सलामत, और पेश करूं? कहा आओ बताओ। का ये बताइए कि अल्लाह ने एक बेटा दिया जनाबे मरियम को, मासूम भी थे, ये बेटा मासूम था, लेकिन ये बेटा अभी कहां है? ये बेटे जनाबे मरियम के बेटे जनाबे ईसा कहां है? कहा वो बेटे तो आसमान में चारों पे चले गए। अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किया कि वो सोचते हैं कि हमने ईसा को कत्ल कर दिया, लेकिन ईसा कत्ल नहीं किए गए, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, उनको गलत फहमी हुई है और जनाबे ईसा आसमान पे उठा लिए गए, आसमान में चारों पे। तो आप देखिए कि अल्लाह ने जनाबे मरियम को एक बेटा दिया जनाबे ईसा, वो एक बेटे आज भी जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह ने जनाबे फातिमा को नौ बेटे दिए और वो सब के सब राहे खुदा में शहीद हो गए। अब आप बताइए कि मरियम अफजल है या ईसा या हजरत फातिमा। अब बादशाह तो कितने जवाब,
बादशाह ने मानने आ गए इस मंजिल पर मानने की, लेकिन जब बात हो रही है तो बात खत्मुल कलाम तक जानी चाहिए। तो अब ये कहता है कि देखिए बादशाह सलामत आखिरी दलील सुन लीजिए, अगर ये सब इतनी सब दलीलें अगर आपको काम नहीं आ रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फातिमा अफजल है या मरियम, तो एक आखिरी दलील भी पेश कर देता हूं, इसको भी सुन लीजिए कि जब फातिमा का बेटा आसमान से आएगा, पर्दे गैब से आएगा, और मरियम का बेटा भी आसमान चहारुम से आएगा, तो उस वक्त आके देख लीजिएगा कि फातिमा का बेटा नमाज पढ़ाएगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा। सलावत भेजे बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अजीजों शहजादी दो आलम सैयदतो निसाइल आलमीन है, बेशक आलम की पूरे आलम की औरतों में चार औरतें हैं जो चुनिंदा हैं, सबसे बेहतर हैं, लेकिन उन सब में भी शहजादी दो आलम सैयदतो निसाइल आलमीन हैं। तमाम औरतों की कौन सी औरतें? आलमीन के औरतों की सरदार, यानी दुनिया में अव्वल से आखिर तक जो भी आएगा और जितनी भी खल्क व मखलूक औरतों में आएगी उनमें सब में अफजल हैं शहजादी दो आलम की जान। और अजीब लफ्ज इस्तेमाल किया, देखिए आलमीन का लफ्ज बहुत वसअत रखता है, अल्लाह ने जनाब मरियम के लिए भी इस्तेमाल किया और शहजादी के लिए भी वही लफ्ज आया कि अल्लाह ने आलमीन की औरतों का सरदार बनाया। खुद आलम कितना वसी है, खुद आलम कितना वसी है, आलम कितना वसी है। आप कहेंगे भाई आलम तो बहुत वसी है, बाज रवायत में मिलते हैं कि अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किए और वहां हो सकता है मखलूक भी हो। भाई हमारे पैगंबर जो रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए या रसूल बनकर आए तो रवायत में मिलता है कि जो भी अवालिम अल्लाह ने पैदा किया वो सब के लिए रहमत बन के आए। ममार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, देखिए ये लफ्ज बहुत कम मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ममार सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन सैयदतो निसाइल आलमीन, ये लफ्ज कोई मामूली लफ्ज नहीं है, सबके लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो उतनी अजमत और उतना मर्तबा होना चाहिए कि सबके आलमीन के लिए बनाया जा रहा हो। तो वो रसूल जो रहमत है, आप सोचिए कि वो अल्लाह जो रब है, आलमीन का रब है, जहां जहां तक अल्लाह की रुबूबियत जाती है वहां वहां तक रसूल की रहमत जाती है, और जहां जहां तक रसूल रहमत है आलमीन के लिए वहां तक के लिए शहजादी क्या है? सैयदो सरदार हैं आलमीन की औरतों के लिए, यानी आलम में जो भी आ जाए जितनी भी औरतें आ जाएं वो सब के लिए सरदार। और ये शहजादी, ये बेटी की जिसका लकब, एक लकब उम्मे अबीहा है, ये लकब कोई आसान लकब नहीं। अभी पढ़ रहे थे अशार में कि जो बाप बेटी बाप के लिए भी मां का मर्तबा रखती है, बेटी मां के लिए बाप का मर्तबा रखे, ये बहुत ही बहुत अजीम मर्तबा है और बहुत ही बुलंद मर्तबा है कि रसूल के लिए मां का मर्तबा रखना। अल्लाह जाने क्यों रसूल, ये जब हिकमतें हम पढ़ते हैं रवायात और तारीख में कि रसूल एहतराम में बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, क्या था इस बेटी में कि एक बाप एहतराम करने के लिए खड़ा हो जा रहा है, एक बाप एहतराम करने के लिए खड़ा हो जा रहा है, और वो बीवी अपने रसूल के लिए, रसूल गिरामी इस्लाम जो आलमीन के लिए रहमत बन के आए थे, वो बेटी अपने बाप के लिए भी रहमत बनकर आई थी, वो बेटी अपने बाप के लिए भी रहमत बनकर आई थी, क्योंकि पैगंबर तो रहमतुल्लिल आलमीन है ना। और हदीस में हमारे मिलता है कि अल बनून नेमतुन वल बनातो रहमा,
बेटा नेमत है और बेटियां रहमत है, बेटा नेमत है बेटियां रहमत है, तो बेटी क्या होती है? रहमत होती है। बस इसी बात को सुन लीजिए और आपकी सहमत खत्म करें। एक बुलंद आवाज से सलवात भेजी पर मोहम्मद वाले। अलबनून नेमतुन वल बनातो रहमा, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। माशाल्लाह शहजादी की विलादत की तारीख है, अक्द भी है इसके बाद और अक्द होते रहते हैं, लड़कियों की हमारी शादी होती रहती हैं। बेटियों को वाकई हम रहमत समझें, कैसे रहमत मौलाना कैसे रहमत समझे? जिसकी यहाँ बेटी होती है वो तो जहनी तौर पे टेंशन का शिकार हो जाता है, दिक्कत का शिकार हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि बेटी को हम रहमत कैसे समझें? कैसे रहमत समझें मौलाना, कोई रास्ता तो बताइए। सब तो यही पढ़ के जाता है बेटी रहमत है रहमत है, लेकिन अभी तक हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे रहमत है। हम तो जब हमारे यहाँ बेटी होती है तो जहमत ही समझते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, हम सुनते भी हैं, लेकिन वो तालीमात हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं बनी। तवज्जो चाहता हूं इस पॉइंट पे गौर करिएगा। इस्लाम में जो तालीमात हमारी हैं, तालीमात हैं, उनको हम एक एक्स्ट्रा वजन और बोझ समझते हैं जिंदगी में कि इसको तो करना ही है, इस्लाम ने कहा है तो करना है। देखिए ये चीज जो है कि इस्लाम ने कहा है तो करना और बोझ समझ के हम अंजाम दे रहे हैं, ये कभी भी हमारे लिए आसान नहीं बन सकता। और जहां भी मौका मिलेगा भाग जाएंगे जिम्मेदारी से, छोड़ो यार कौन करेगा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कोई नहीं करता, हमारे कल्चर में नहीं है। इस्लाम ने कहा है तो करना पड़ता है। अब कोई बहुत दीनदार है तो कर लिया, कोई आलिम है तो उसने कर लिया, किसी की अच्छी तरबियत हो गई तो उसने कर लिया, लेकिन हमारे तालीमात, ये तालीमात हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं बनी। तो बेटी रहमत है, कब रहमत महसूस होगी? जब हम इसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लेंगे। जिस दिन हमने बेटी को रहमत समझना अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया, उस दिन बेटी वाकई रहमत नजर आने लगेगी। अब मौलाना ये कल्चर का हिस्सा कैसे बने, कौन शुरुआत करे? हमारे बचपन में पढ़ाया जाता था तंजीम की किताब में कि सारे चूहों ने मशवरा किया कि बिल्ली तो आती है और खा जाती है चूहों को, अब क्या किया जाए भाई? कहा ऐसा करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटा बांध देते हैं, जब वो आए तो पता चल जाए, तो पता चल जाए कि बिल्ली आ गई और सब लोग हम लोग छिप जाएंगे। तो ठीक है, राय तो बहुत अच्छी है भाई, इससे बेहतर और क्या राय हो सकती है? तो अच्छा कौन जाएगा घंटा बांधने? कहा ये बात तो बड़ी मुश्किल है, बांधेगा कौन, शुरू कौन करेगा, कौन जाएगा अपने को खतरे में डालने? तो मौलाना बात तो आपने बड़ी अच्छी कर दी, लेकिन शुरू कौन करेगा? तो देखिए कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना ही होगा। अगर हम तालीमाते इस्लाम को अपने कल्चर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो किसी न किसी को कुर्बानी देनी होगी, और इस्लाम मजहब ही है कुर्बानी देने का। जब तक कुर्बानी देते नहीं, सीरत अंबिया फैलती नहीं। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मौलाना कैसे रहमत बनाएं? पहले कोशिश करिए उस कल्चर को लाइए जो रसूल ने हमें दिया है। बेटी से जहेज नहीं लेना है, नहीं लेना है, हमारे कानून में लिख दिया जाए। जहेज कौन देगा? लड़का देगा और महर की शक्ल में देगा। भाई हमारे इस्लाम में मगर नहीं है कि 500 दिरहम चांदी महर हो, वो 500 दिरहम चांदी का रेट निकाल लीजिए, 1.25 किलो चांदी 500 दिरहम हद अकल वजन, और ज्यादा भी बजाया गया चांदी, क्योंकि उस जमाने में सिक्का कोई कंपनी से बन के नहीं आता था, छोटा बड़ा हो जाया करता था। कम से कम वजन के सिक्के को जब जोड़ा गया तो 1.25 किलो चांदी हुई। अब 1.25 किलो चांदी आज
कितने की हो गई, 70-80 हजार रुपए के आसपास हो गई। आप उसी को जहेज की लिमिट बनाइए कि लड़का वो पैसा इंतजाम करके लाए और महर के तौर पर अदा करे, उसी से जो जहेज मुहैया हो सकता है दिया जाएगा। अब कम पड़ रहा है तो अपना आप जानो आपकी जिंदगी। तो जब ऐसा कल्चर बनेगा तो अब इसी शख्स के लिए जिसको भारी पड़ रहा है 80 हजार देना महर के तौर पर, इसी के यहां जब 3 बेटियां हो जाएंगी तो वो खुशहाल होगा कि भाई मैंने तो 80 हजार दिया था लेकिन अब और कुछ नहीं देना है, 3 और 80 हजार आएगा, उसी से शादी हो जाएगी। सलवार भेजे भर मोहम्मद वाल मोहम्मद। तो फिर वो नहीं सोचेगा कि ये बेटी कैसे हो गई। अब पता नहीं जो कल का वाकया हुआ है, सुनने में आया कि उनके 2-3 बेटियां थी। अब अल्लाह जाने क्या टेंशन रहा हो, लेकिन कभी कभी वैसे ये उसका हल नहीं है। इसके लिए हमने बात हो रही थी, मैंने कहा इसका कोई हल होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे समाज में ज्यादा हो रहा है तो साइकोलॉजिक डॉक्टर प्लस जो है सोसाइटी का हेल्प, हमारी जमात का हेल्प शामिल हाल हो कि भाई जिसकी भी जो प्रॉब्लम है और वो दूसरों से नहीं कह सकता, भाई सबके अंदर ये मिजाज नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम लेके जाए, दूसरों से नहीं क्रिएट कर सकता, एक पर्सनल टीम बनाई गई है 1-2 लोगों की 3 लोगों की, उनसे आए अपनी बात को रखें। उसमें एक डॉक्टर भी हो जो साइकोलॉजिक हो, जो मोटिवेट करे और बताए कि देखिए क्या आपकी मुश्किल का हल है, ताकि हमारे समाज में ऐसा ना हो। इसका हल यही है कि हम बहुत से डिप्रेशन और टेंशन को लेकर अब हर इंसान हल नहीं निकाल पाता, तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जो सब सोसाइटी से थोड़ा दूर रहता है, किसी के पास मुश्किल लेके नहीं जाता, जब बार बार ये कहा जाएगा कि भाई किसी के पास ऐसी मुश्किल है तो कहीं ना कहीं वो मुराजा करेगा और कहीं ना कहीं हमारी इस तरह से ऐसी मुश्किलात कम होंगी, होना चाहिए। तो बहुत सी मुश्किलात जिंदगी में है, बेटी को हम रहमत बना सकते हैं बशर्ते ये कि तालीमात इस्लाम को अपने कल्चर का हिस्सा बनाए, अपने सिर्फ दीन का हिस्सा बना कर ना रखे। जिस दिन हमने अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया, वो बेटी आपको रहमत नजर आएगी, वो बेटी आपको रहमत नजर आएगी। तो अजीजों, बेटी बेशक रहमत है, बरकत है बेटी। जिंदगी में रवायत में मिलता है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, कोई चीज लाए हैं तो पहले बेटियों को दीजिए। बाबरकत है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो, है हमारी रवायत में। बाबरकत है वो औलाद जिसकी पहली, वो औरत जिसकी पहली औलाद, पहला फर्जंद बेटी हो, ये हमारी रवायत में। तो ये तो हमारे लिए जब बाबरकत कहला रही है और ये जिंदगी की बरकत है, तो हम इसे क्यों अपने लिए सोच रहे हैं कि नहीं हमारे लिए जहमत हो रही। कल्चर का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। सैयदतो निसाइल आलमीन, शायद यही एक हिकमतों में से एक हिकमत ये भी रही हो कि अल्लाह ने अपने हबीब की नस्ल को बेटी से चलाया, ताकि दुनिया में बेटी की अजमत को बताया जा सके, पहचानवाया जा सके कि बेटी क्या होती है। सलवात भेजे बार मोहम्मद वाले। और एक ऐसी बेटी दी कि जिसका नूर रसूल मेराज पर जाके लेकर आ रहे हैं। अजमत सैयदा को समझिए, मेराज से नूर आ रहा है, बहिश्ती मेवे के जरिए नूर आ रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं, इतना एहतमाम क्यों किया जा रहा है अजमत, बेटी की अजमत को बताने के लिए कि बेटी क्या चीज है। कभी भी ये सोचे कि सिन्फ-ए-निस्वान या औरत हमारे माशरे का कमजोर पहलू है, कोई कमजोर पहलू नहीं है। उसका किरदार तरबियत औलाद में और माशरे को आगे बढ़ाने में मर्द के किरदार से कहीं ज्यादा नजर आता है। जिस माशरे की औरतें मुहज्जब हों, बाखलाक हों, बातरबियत हों, इबादत गुजार हों, खुदा शनास हों, अहले बैत शनास हों, विलायत पर परवरिश पाई हों, उस माशरे की औलाद को आप देखिए,
बहुत फर्क है, ये मत सोचिए क्यों माओं के लिए इतनी अहमियत दी गई, उनका रोल बजाहिर कमजोर नजर आता है, इसलिए इसको भी हम अपने माशरे का हिस्सा बनाएं। सैयदतो निसाइल आलमी, ये बेटी जो अपने बाबा के लिए भी रहमत बन के आई, वो रसूल जो आलमीन के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, जमीन परंद वैश तयूर सारी दुनिया के लिए जो रहमत बनकर आया है उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो मोहम्मद के लिए रहमत बनकर आई है उसे फातिमा कहते हैं। सलावत भेजे बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, शहजादी दो आलम की विलादत की तारीख है, हर एक अपनी अपनी कोई न कोई हाजत रखता है, इन मुनासिबतों पर अहले बैत के दर से अपनी हाजतों को मांगें लें, इससे बेहतर मुनासिबत नहीं होगी। क्योंकि जब ईद है, खुशी का वक्त है, तो यकीनन अहले बैत की खुशी में हम खुश होते हैं, अपनी हाजतों को इस मजलिसों से हम लेके उठ सकते हैं, जिसकी भी जो हाजत है। आयतुल्लाह सिस्तानी के जवाबात में जब कोई पूछता है कि हम बहुत मुश्किल और सख्ती में गिरफ्तार हैं तो हम क्या करें, तो हम यही जवाब देते हैं कि नमाज इस्तेगासे हज़रत जहरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ें। आगा की तरफ से बहुत अजमत है शहजादी की। हाँ अजीजों, बस एक दो जुमले, क्योंकि हमारी खुशी भी गम से खाली नहीं है। इतने कर्ब मसाए अहले बैत ने उठाए हैं इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए हम तक, कि जब हम उन कर्ब मसाइब का तसव्वुर करते हैं तो उसका जिक्र हमारी हर मजलिस में ज़रूरी नज़र आता है। यही शहज़ादी जिसको अल्लाह ने इतनी अजमतों से नवाज कर भेजा है, लेकिन क्या आ गया है मदीने में, आपको मर्सिया पढ़ना पड़ रहा है, बाबा सुब्बत लैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत लैया मिसर न लया लिया। शहजादी, सिर्फ शहजादी पर ये मसाइब नहीं हुए बल्कि नस्ल पर ये मसाइब का आगाज हो गया। फातिमा तक के मसाइब खत्म ना हुए, नस्ल फातिमा पर भी मसाइब की इंतहा हो गई। अगर फातिमा ने यहाँ पर इन मसाइब को तहम्मुल किया तो कल सानिये जहरा करबला में भी उससे शदीद तरीन मसाइब को तहम्मुल कर रही है। अरे वो हुसैन जिसको शहजादी ने चक्कियां पीस कर पाला था मक्तल में भूखा और प्यासा, इस तरीके से शहीद किया जा रहा है कि बहन इस मंजर को देख रही है। अरे दुखियारी बाप ने बालों को बिखराए हुए, मेरे लाल हुसैन आ जा, तेरी मां ने तेरे मक्तल को अपने बालों से साफ कर रखा। परवरदिगार हमारे इस खलील से इबादत को कबूल फरमा, जो परेशान आलम की परेशानियों को दूर फरमा, जो मरीज हमने शफा आजिल व कामिल नसीब फरमा। परवरदिगार शियान हैदर कर्रार जहाँ जहाँ भी उनके जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार शहजादी की विलादत बासआदत और इस मुबारक तारीख का तुझे वास्ता है, शहजादी की अजमत का तुझे वास्ता है कि हाजरीन मजलिस में जो भी दुनियावी उखरवी हाजत लेके यहाँ आया है सबकी हाजतों को अपनी बारगाह में बे अहसन वज कबूल फरमा। जो भी परेशानी है शहजादी के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो भी मरीज़ हैं शहजादी के सदक़े में उनकी बीमारियों को दूर फरमा। हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा और हमको उनके अंसार खास में।